पहले तो मुझे, मैं साफ ही बता दूं आपको कि पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अपनी कम्युनिटी से बाहर हम जाएंगे। भगवान सदगर गोपीनाथ भगवान। तो सो गया फिर से? अबे आज भाई तू कितना सोता है ये बता मेरे को। अबे तो आदमी सोए ना क्या? चल आजा, क्यों नहीं करना, आजा सो जाइए फिर से। क्या है मम्मी, सब्जी क्या है आज? सब्जी आज ट्यूसडे है, अच्छा मंगल है, आज तो दाल बन रही है। आहा, आहा। प्यारे नमस्कार, नमस्कार हमारे सब्सक्राइबर्स का आपको नमन और नमस्कार। कैसा लग रहा है नया घर? आपने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है अब। आज हमें याद आई अपने कश्मीर के घर, खुला डुल्ला बालकनीज, वहाँ उनको बोलते थे डब। डब डबे होती थी हमारी, अलग अलग होती थी। डब मतलब बालकनी जैसा ही? बालकनी जैसे ही, वो लकड़ी की बनी होती थी। ओके। और उसकी जो खिड़कियां होती थी उनको वुरूसी बोलते थे। अच्छा। कश्मीर में खास घरों में वो वुरूसी होती थी। पापा भी रेडी है आज? हैं पापा जी रेडी? बिल्कुल। चलिए वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का फॉर्मेट गाइज यही है कि हमने Q&A बनाए थे अपने इंस्टाग्राम पे और सबने क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड देर आर क्वेश्चंस विच देव आस्ट एवरी वन ऑफ यू स्पेसिफिकली। प्यारे को तो नहीं पूछ पाए क्योंकि प्यारे आज ही आई है, बट आप सबके लिए क्वेश्चंस हैं तो उनका आंसर आज आपके मुंह से ही किया जाएगा। सो दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट द क्वेश्चंस आर, हमने किसी को बताए नहीं है, तो एक साथ ही सब लोग बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड जो लोग चैनल पे नए हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है ठीक है, रेडी है तू? रेडी। 5 मिनट बोल के भैया जी फिर आधे घंटे बाद आए हैं। तेरे लिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, तेरे को हम सोच रहे थे कि एक ही क्वेश्चन पूछे सबसे, बट तेरे लिए तो आई थिंक वी हैव टू डू 3-4 फॉर गुच्ची। क्यों? बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई तेरे लिए, आधे क्वेश्चन तो तेरे लिए ही आए हैं। मैं फैन तेज कर दूँ यार, इजी ऑन कर दिया ना। फर्स्ट क्वेश्चन मम्मी के लिए, व्हाट वॉज योर इनिशियल रिएक्शन व्हेन यू फाउंड आउट that we are in a relationship, me or Sylvia? So this is I think this is probably like 2012 ki baat ho rahi hai. Pehle to mujhe, main saaf hi bata dun aapko ki pehle to mujhe acha nahi laga ki apni community se bahar hum jayenge. Kafi sare rishte aa rahe the to maine kaha unhi ko prefer main karungi. Jab maine aapka ye suna ki aap iske sath interested hain to maine kaha aap pehle mujhe milaiye isse. 2014 mein fir इसको लेके आए आप दिल्ली। हाँ। बट जब मैंने इसको पहली बार देखा तो इतनी मैं इम्प्रेस नहीं हुई थी इससे, बिकॉज शी वॉज वेरी शाई, बात नहीं करती थी, एंड शी वॉज दैट टाइम शी वॉज वेरी शाई, और ये वेरी शाई अब तो नहीं है, अब तो मिक्सअप हो गई है फैमिली के साथ। उसके बाद हम गए कहीं घूमने गए थे, जयपुर गए थे शायद, आई थिंक सो। वहाँ मैं इसको बहुत ही गौर से मैंने इसको करीब से देखा, मैंने कहा हो सकता है मैं लेट अस ट्राई कि ये हमारी फैमिली के साथ, बिकॉज मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहूँगी कि हमारी नेचर अच्छी है तो हमारे साथ हर कोई एडजस्ट हो जाएगा, बट इसका मुझे पता नहीं था। बट जितना ये अब हमारी फैमिली के साथ एडजस्ट हो गई है, घुल मिल गई है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब तब तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि पता नहीं इवन ये मेरे बेटे के साथ भी एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, बट अब मैं इसकी रिलेशंस को देख के आपके साथ कितनी ये फ्री एंड फ्रैंक एंड बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रह रही है, आपके हर एक चीज़ में ये साथ दे रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है अब ये। और इसने भी हमारी फैमिली को अब समझा, हमारे कश्मीरियों का खाना डिफरेंट होता है, स्पाइसी होता है, बट ये लाइक करती है अब इसको, हम भी इसके खाने के साथ अब जो ये बनाती है उसको भी हम लाइक करने लगे हैं। मैं भी अब बहुत ही जाती हूँ UK तो मैं उस खाने को जो ये बनाती है तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से, समटाइम्स मुझे फील होता है कि ये शायद वो बॉयल करके है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बट मैं खा लेती हूँ, एडजस्ट कर लेती हूँ। जब इसने हमारे साथ एडजस्ट इतना किया है तो हमें भी इसका थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या ही लंबी स्पीच, तालियां बजा रहे हैं सब, तालियां बजा रहे हैं। वाह। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया कि
ग्रोइंग अप हाउ मिस्चीवियस वाज आई एज अ किड. काफी लोगों ने एक्चुअली पूछा है ये, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं. आप तो बिल्कुल मिस्चीवियस थे ही नहीं. नहीं था? अरे नहीं. यू वेर वेरी जेंटल गाय एंड यू वेर वेरी ओबीडियंट लविंग नेचर. हर एक के साथ प्यार करते थे. ऐसी बात नहीं है वो रोंदो को ये कुछ नहीं. अच्छा. हाँ. काफी प्राउड फील कर रहा हूँ यार मैं तो. मुझे तो लगा कि ऐसे उल्टा ही होगा. अच्छा. बस क्यों रहे बे? पापा सच तो बोलो यार. शादी.com का सीवी थोड़ा ना भेज रहे हो. शादी हो चुकी है. बचपने की बातें जो है वो तो होती ही है मिक्स में. लेकिन जनरल फीलिंग जो है जनरल ही वर जेंटल. तो बस भाई देख लो भाई, अब तो सच्चाई तुम्हारे आंखों के सामने है कि तुम्हारा भाई मतलब समझ लो जेंटल ऐसे तो है. दिल्ली से थे, नोएडा से है. Gentle. Next question is for Sylvia ji. How hard or easy was it for you to adjust to our Indian culture? At first, it was difficult because we were having like completely different background, you know, different food, different things, different habits. So it was about, you know, learning the other side. And I think it took us a while. Maybe we were expecting that everything will happen instantly, but it didn't. But I think the more we were like meeting each other, seeing each other, then we kind of blended those two cultures together. I remember even when parents came to visit us in London for the first time, they didn't like the food we were eating there. Yeah. So like you were saying before, you were saying before about that, you know, I was unable to adjust to the spicy food. And it was exactly the same thing on the other side. So I think it took some time for us to understand each other. But I think now we understand each other enough and we are like one big mental family. One big mental, तो अब आता है हमारा चीता, जिसके लिए भाई मतलब आई थिंक एवरी सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट गुच्ची जी. तो इसके लिए दो तीन क्वेश्चंस तो बनते हैं. तो गुच्ची दो क्वेश्चंस लेते हैं गुच्ची के. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन तो यही है कि गुच्ची का नाम गुच्ची कैसे पड़ा. फनी स्टोरी है. तो लोगों को लगा था कि भाई मेरा नाम इसलिए गुच्ची पड़ा बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड. हाँ, गुच्ची. तो वो ही खाली बात नहीं है. सो व्हेन आई वाज अ किड I was a little golu molu, right? So I had proper cheeks and everything. So there was an older sister of mine and she used to come at home and just she used to do this. Gucci Moochie Poochie. So that is how this Gucci thing came up. It is not your actual name. Yeah, it's not my actual, it's my nickname. My name actual... is actually Varshanya, jo abhi bhi kahin hai nahi milta. So hum dono ke naam pyare ne hi rakhe hain. मेरू और वर्षण्य. वर्षण्य इज डॉक्टर राजेंद्र राधा कृष्णन्स बुक. ही हैज एक्सप्लेन भगवद गीता. हियर कम्स अ नेम फॉर भगवान कृष्णा एज वर्षण्य. हमारी गुरु गीता भगवान जी की गुरु गीता है. आई रिसाइट दैट एवरी डे. आप अभी आए नहीं थे हमारे घर में, अभी कोई बच्चा नहीं था. तो आई वॉज रिसाइटिंग वन डे आई वॉज दिस इज द श्लोका. निखिल शिखल संपदी संपदार्था एक भक्ति भवगन परमेष्टि मेरु सार एक दृष्टि. ये एक श्लोक. मेरु आ गया तो मेरे को ए सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन आ गया दैट हमारे घर में मेरु आ रहा है. आई नेम्ड यू एज मेरु. What I think Meru represents is the center of the universe, एक center power. इसीलिए जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जो सेंटर है, जो मेन रुद्राक्ष का बीड होता है वही है ना, वो भी मेरू, उसे भी मेरू कहते हैं. तो द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वो ये है कि क्या गुच्ची जी आप सिंगल है कि नहीं है. देखिए मैं ऑफिशियली सिंगल ही हूँ. सिंगल सिंगल ऑफिशियली है बट अनऑफिशियली ये गोपियों के बीच में रहता है 24 आवर्स. कृष्ण कृष्ण जी. ये देखो नाम भी अप्रोप्रिएट है पूरा. ये तो गोपियों के बीच में बैठा है. ये सब झूठ कह रहे हैं, कुछ नहीं है. ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ डिड आई लैंड इन द यूके एंड हाउ वन कैन मेक अ करियर इन द यूके. तो बहुत बार ये पूछा गया, तो मैंने कहा इस बार मैं आप लोगों से ये थोड़ा यू नो डिटेल में इन डेप्थ में शेयर करूं. आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव गॉट अ मास्टर्स डिग्री. तो मैं अपनी मास्टर्स करने के लिए यूके गया था एंड लेटर ऑन आई स्टार्टेड वर्क देयर एंड देन
me and Sylvia now, obviously, as many would know, we have our small business there. What I loved about UK was the practical knowledge they give. In MBA, mein hi ek corporate feel aa gaya tha wahan pe. It felt like literally going to the office. Professionalism bahut acha tha. And the studies in the United Kingdom are very research based. Aapko research karni hoti hai. And I think aap kisi bhi organization mein agar aap kaam karte hain, mostly if you're, you know, into sales, marketing, kuch bhi karte hain, I think research plays a very vital role. To wo emphasis bahut hai UK की एजुकेशन में, स्पेशली मास्टर्स. काफ़ी लोग पूछते हैं ये कि हम लोग अब्रॉड कैसे जाएं, व्हाट थिंग्स डू वी रिक्वायर. मेरे टाइम पे इतना सपोर्ट अवेलेबल नहीं था, बट आजकल काफ़ी सपोर्ट अवेलेबल है. एंड वन सच प्लेटफॉर्म इज लीप स्कॉलर. लीप स्कॉलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जर्नी जो है स्टूडेंट की from the beginning to end usko fulfill karta hai, whether it be admission counseling, visa guidance ya IELTS ki preparation, ye log sab handle karte hain aapke liye. Ye log abhi ek UK summit kar rahe hain, main link description mein de dunga. Usme obviously bahut sare events honge jiska aap part ho sakte hain, aur aap ek consultation call bhi kar sakte hain through their platform jisme 400 se bhi zyada counselors honge jinke sath aap direct baatcheet kar sakte hain. Admissions are still open for 2022, so get started on your application now. So guys, thank you so much for being part of this Q&A. Aap log apne pe taaliyan, bahut sahi, acha laga, acha laga. Round of applause. आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब, जो मैं करती हूँ. हमारे पूरे फैमिली में सबसे एक्टिवली जो वीडियोस देखता है वो प्यारे ही है. Wherever a video is posted, मेरे को सीधा WhatsApp message आता है, you know that, oh I loved your छोला भटूरा video, I loved this and that. Yeah. तो guys अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक नए vlog पे. Take care. चलो जी, चलो जी, ओके, चलो बाय बाय.